दोस्तों वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं MIM के साबिर काबलीवाला, उन्होंने जो है ये घोषणा कर दिया है, अनाउंसमेंट कर दिया है कि 40 से 50 सीटों के बीच में अपना उम्मीदवार उतारेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव के अंदर। हम आपको बता दें कि वो कौन कौन से सीटें होंगी, कौन कौन से विधानसभा होंगे, कौन कौन से जगह होंगे, आइए एक नज़र दौड़ाते हैं दोस्तों। ऐसे कुल मिलाकर वो सारे सीटें जो कि 25 के 25 सीट है, जहां पर मुस्लिम बहुमल एरिया माना जाता है, मुस्लिम मतदाता की वजह से राजनीतिक पार्टियां जो है खेल बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखते हैं, जैसे कि अहमदाबाद, पंचमहल, खेड़ा, आनंद, भरूच, साबरकांठा, जामनगर, जूनागढ़, नवासारी, इन जगहों पर जहां पर मुस्लिम मतदाता ज़बरदस्त है वहाँ पर जो है साबिर काबलीवाला अपना उम्मीदवार उतारेंगे ही उतारेंगे, साथ में जो है और भी दूसरे एरियाओं में, दूसरे जगहों में जहाँ पर MIM की पकड़ मजबूत है, जहां पर दलितों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आदिवासी सपोर्ट कर रहे हैं, उन जगहों में भी MIM की पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी गुजरात विधानसभा चुनाव में। तो कुल मिलाकर इस तरीके से जो एक 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 अंदेशा जो है, एक तरीके का अंदाजा लगाया जा रहा था कि कितनी सीटों पर MIM की पार्टी चुनाव लड़ेगी गुजरात के अंदर, तो फाइनली जो है ये चीज़ें क्लियर हो गई है। 40 से 50 सीटें जो है उन्हीं पर अपना उम्मीदवार उतारेंगी। अब अगर किसी से गठबंधन होता है तो वो तो बात की बातें हैं, उस फिर सीट शेयरिंग को लेकर अलग चीज़ें जो है अलग समीकरण बनेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये जो आंकड़े हैं ये अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उस हिसाब से ये आंकड़े हैं। तो कुल मिलाकर 40 से 50 सीटें हैं MIM पार्टी मैदान के अंदर है, 25 से 30 सीट ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता ज़बरदस्त है, जिता सकते हैं। अब ये देखना है कि MIM कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं।